बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेनेटर आजम सवाती के दो रोजा जिस्मानी रिमांड की म्याद खत्म होने के बाद उनको आज अदालत में पेश किया गया जनरल के जो ट्वीट्स है ट्वीट्स किए हैं इस पर आज जज साहब के सामने वो इन ट्वीट्स पर डट गए हैं आज की समाज का हवा इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा अमरीका के खिलाफ इमरान खान ने बड़ा सख्त बयान दिया है उस बयान के बाद इतिहादी हकूमत के कारिंदे इमरान खान पर टूट पड़े हैं अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके डी मार्च करने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान का यकीन ये एक बड़ा फैसला है इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर तफसील से हम बात करेंगे उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे जो दोस्त यूट्यूब पर वीडियोस रेगुलर देखते हैं पाक न्यूज विद फेसबुक पर पेज है वहां उस पेज को भी फॉलो करके वो वीडियोस देख सकते हैं अमरीकी सदर ने जिस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है उसके बाद यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की रियासत पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं आप अंदाजा कीजिए दुनिया का एक ऐसा जिसको सुपर पावर माना जाता है जब वो कहे कि पाकिस्तान जो है वो खतरनाक मुल्क है उसके जो एटमी हथियार हैं वो किसी वक्त भी दहशत गर्द खुदा नास्ता उस पर काबज हो सकते हैं तो पाकिस्तान जो इस वक्त सियात के हवाले से अपनी कोशिश कर रहा है कि बैरूनी दुनिया के लोग पाकिस्तान को विजिट करें पाकिस्तान में सरमाकारी करें अब यूक्रेन और रशिया की जंग के सूरत हाल के तनादर के अंदर अमरीकी अपने मफादात की खातर किस हद तक गिर सकते हैं और पाकिस्तान से वो क्या चाहते हैं जो पाकिस्तान उनको देने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारी चीजें अब सामने आई है एक तो बिलावल जरदारी ने आज बिलावल हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है यकीनी तौर पर उन्होंने बताया है कि ये कोई ऑफिशियल जो है वो मीटिंग नहीं थी बल्कि अनऑफिशियल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है बहरहाल हम डी मार्च करने लगे हैं एक तरफ अमरीकी सदर का दिफा करने लगे हुए हैं दूसरी तरफ जो वो कहते हैं डी मार्च करेंगे मैंने वजीर आजम से बात की है और अब जो है अमरीकी सफीर को हम तलब कर रहे हैं ये बहरहाल एक रियाती सदा पर अच्छा फैसला है कि यहाँ पर डिमार्च करना चाहिए अमरीकी सफीर की तलबी हो उसको बताया जाए कि आप किन ग्राउंड पर ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग के अंदर आपका इतना साथ दिया इतनी जानी और माली कुर्बानियां दी और उसके बाद हमें आप ये सिला दे रहे हैं यहाँ अमरीका और रशिया और आप चाहते हैं कि उन ममालक के साथ पाकिस्तान के जो तल्लुत हैं वो खत्म हो अब मामला ये है कि ये तो एक बड़ा फैसला है यकीनी तौर पर लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक स्टेटमेंट जारी की गई लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट के तनाजर के अंदर इमरान खान ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट यकीनी तौर पर बड़ा सख्त था उन्होंने अमरीकी सदर से दो सवाल किए इमरान खान ने कहा कि बताइए आप किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी से महफूज नहीं है जबकि आप तो दुनिया भर की जंगों के अंदर अमरीका मुलाबत रहा है इसके बर पाकिस्तान ने खास तौर पर जोहरी सलाहियत के हसूल के बाद कब जारहीत का मुदायरा किया है ये जरा अमरीका बताया फिर उन्होंने कहा कि यह हकीकत बिना अहमियत की अमल है कि बइडन के बयान से इम्पोर्टेड की खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमरीका से ताल्लुक की बहाली और तरतीब नौ के दावे की हसीियत झलकती है इन मौजूदा हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है कि इतनी आपने गुलामी की रोज आप जो है वो आर्मी चीफ दे रहे पांच दिन वहां रहे वो भी डिस्कशन करते रहे वजीर खारजा रहे फिर बाइडन के साथ जो है शहबाज शरीफ तस्वीरें बना बना कर खुश होते रहे जियो और नून लीग के लोग भंगड़ा डालते रहे और अभी ये तमाम मुलाकातों का नतीजा ये निकला है और इमरान खान का वो बयान जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप जितना इनके नीचे लेटोगे ये उतना ज्यादा आपको जो है वो डिसग्रेस करेंगे आपकी बेजती करेंगे तो ये बात भी जो है वो आज एनआरओ टू

अच्छा इकदाम है और ये होना चाहिए सियासी आपस के अंदर चलते हैं मामला लेकिन अगर पाकिस्तान पर कोई इस तरह जारहाना हमला करे और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करे पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियों के बाद भी तो हमें एक कौम बनकर अमरीका को ये जरूर बाबर करवाना है और ये जबरदस्त जो है वो मैसेज दिया गया है तो अब अमरीका के खिलाफ सख्त बयान पर बजाय इसके कि ये इमरान खान के बयान से भी ये सख्त बयान देते मरियम नवाज की एक कनीज अपना एम पी है वो हिना परवेज बट उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर जरा उन्होंने अपने जज्बात का इधार किया कि अमरीका होता कौन है हमें कहने वाला अमरीका अपने मुल्क की फिक्र करे तो ये ट्वीट थोड़ी देर के बाद जो है वो हिना परवेज बट ने डिलीट कर दिया अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप तो बड़ी बहादुर बनी थी तो आपका ये ट्वीट क्यों डिलीट हुआ है किसने करवाया है तो अब अगली कंपेन क्या है कि इमरान खान ने चूंकि जो बाइडन का नाम ले लिया है अमरीका से मुखातब हुआ है अमरीका से सवाल पूछा है तो अब जो है वो इमरान खान पर चढ़ दौड़ो भाई अमरीका के खिलाफ आपने इतना सख्त बयान क्यों दिया है डी मार्च के क्या जो है वो कन, जो है वो मतन होगा क्योंकि वो इंतहाई अहमियत का अमल होगा कहीं ऐसा ना हो कि वो पंजाबी में कहते हैं घोंगड़ों से मिट्टी जाड़ी गई है या वाकया तन जो है वो भरपूर अमेरिका को जवाब दिया गया तो अमेरिका को जवाब नहीं दिया उतना सख्त और वहां पर जलते हैं और इमरान खान पर टूट पड़े हैं ये है इस वक्त कीनेटर आजम सवाती वो अदालत के अंदर पेश हुए हैं पहले यह था कि आठ बजे का टाइम था लेकिन वो दो बज गए उनको पेश करते हुए वहां जो हमारे साफी दोस्त हैं वो खड़े रहे और बार बार ये कहते रहे कि जब आपने मुल्जमान जो जिसमानी रिमांड पर मुल्जमान होते हैं उनको पेश करना होता है तो एक टाइम जो आप फिक्स करते हैं तो अदालत को चाहिए उस टाइम पर पाबंद किया जाए कि वो आए डॉक्टर बाबर अहमान जो है वो भी तमाम मसरूफियात छोड़कर आए और वहां पर उन्होंने कहा जी वो पेश नहीं कर रहा है तो जाहिर साहब ने कहा हो सकता है वो मेडिकल करवाने गए हुए हूँ तो मेडिकल पेमेंट गए हुए हूँ हु, लेकिन आप अपने जूनियर को बिठा दें तो हम उनको बता देंगे तो ये बात जो है आज वहां पर हुई है लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है जो चीज आपके सामने रखनी इंतहाई जरूरी है वो ये कि एक तो डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि आजम सवाती ने कहा कि मैंने आयन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की मुझे एफ आई ए ने गिरफ्तार किया मुझे सिर्फ एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया जबकि मुझ पर एजेंसियों ने तशद किया है वो कहते हैं जो बाबर अवान ने कहा वो कहते हैं कि आज फासिस्ट हुकूमत ने एक और सीनियर सेनेटर को उठाया गिरफ्तारी के वक्त आजम सवाती को कहा गया कि हम एफ आई ए से हैं को पहले और आज आजम सवाती कहीं ऐसा न हो, कि हो चेयरमैन भी गुमशुदा चले गए इकतदार में आए हैं और ये सारे हथकंडे इस इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो आज पेशी हुई है उसके अंदर वहां बड़ा क्लियर कट आजम सवाती ने कहा ये ट्वीट मैंने की है मैं बिल्कुल मुकर नहीं रहा ये मैंने लिखी है उन्होंने कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया अल्लाह आर्मी चीफ के हवाले से ये बड़ी क्लियर कट ट्वीट हैं और ये जो शर्मिंदगी का इजहार उन्होंने नहीं किया थोड़ा मैं आपको बताऊं कि आज जो समाप्त हुई है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आजम सवाती को पेश किया गया है एफ ने कहा है कि आप जो है वो मजीद हमें सात रोज का जिसमानी रिमांड दे तो जाय साहब ने कहा आपने क्या रिकवरी करनी है उन्होंने कहा जी जिस फोन से ट्वीट की गई है कुछ और पहले के भी इनके अकाउंट के अंदर हमने देखा है ट्वीट्स ऐसी हैं तो हमने पूरी तहकीक करनी है इधारों के खिलाफ ट्वीट्स के अंदर उन्होंने कहा लेकिन जज साहब ने एक दिन का जिस्मानी रिमांड किया है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद बशीर उनकी अदालत में पेश किया गया अदालत में आदम सवाती के वकील जो डॉक्टर बाबर अवान है और अली बुखारी वो पेश हुए हैं और यहां पर आदम सवाती के मजीद जिसमानी रिमांड के साथ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अबासी उन्होंने अदालत को बताया है कि आजम सवाती के मुसदका अकाउंट से ट्वीट किया गया पीका के सेक्शन ट्वेंटी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ मुसदका अकाउंट से शदीद हत्या इस्तेमाल किए गए ट्विटर का मुसदका अकाउंट से ट्वीट होना साबित शुदा है फिर वो कहते हैं कि सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं है आजम सवाती के अकाउंट से पहले भी ऐसे ट्वीट हुए हैं आजम सवाती के अकाउंट से तवील अरसे मुनजम ट्वीट हुए जिनका रिकॉर्ड मौजूद है फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत ने मुकर किया है उसने कहा कि अभी पासवर्ड रिकवर करना है आदम सवाती तफ्तीश के दौरान तावन नहीं कर रहे वो कहते हैं कि आदम ज्यादा इसलिए आठ दिन का आप जो है वोसी दे दें तो अदालत ने पंद्रह दिन का जिसमानी रिमांड तो अदालत दे सकती है तो मुल्जम के हक में रिकॉर्ड पर कुछ आया तो वो भी अदालत में पेश करेंगे अब इस पर आजम सवाती के हवाले से डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि इसे हम तस्लीम करते हैं लेकिन कानून में कवर भी है वो कहते हैं कि आजम सवाती जो है उन्होंने भी कहा भाई ट्वीट मैंने किए हैं और आपने क्या रिकवर करना है जब मैं तस्लीम कर रहा हूं कि ये ट्वीट मैंने किए यानी बाजवा साहब से मुबारकबाद दी है सवाल पूछा है तो जब ट्वीट वो कहते हैं मैंने किए हैं तो फिर जो है वो इसके अंदर आपने रिकवर क्या करना है अब इसके अंदर किन किन लोगों ने किस किस के बारे में ट्वीट किए बाबर अवान ने कहा मैं सारा कच्चा चटा इस अदालत के अंदर सामने रखूंगा अब अदालत ने पूछा कि वो मोबाइल रिकवर हुआ है जिससे ट्वीट हुई है जिस पर आजम सवाती ने कहा कि मैंने वो मोबाइल घर से बाहर फेंक दिया था इसमें बेटी के घर की तस्वीरें हैं मैं जब मान रहा हूं कि ट्वीट मैंने किया तो फिर इनको क्या चाहिए अब इस पर जो है एक रोज के लिए मजीद जिसमानी रिमांड दिया गया है तो आजम सवाती जो है वो उन्होंने इसको ना तो गलती कहा है अब तक ना ये वो कहते हैं ट्वीट मैंने किए हैं तो जहरा है वो इस ट्वीट पर अपने आप को समझते हैं जस्टिफाई करते होंगे और जो उन्होंने बात की है तो यकीनी तौर पर अभी तक जो है वो एफ आई ए का कहना है कि हम इनसे मजीद मनवा नहीं सके तो वहां उन्होंने कहा और मनवाना आपने क्या है ट्वीट है और उस पर केस है ट्वीट वो मान रहे हैं तो अब इस आपने जो मौकफ है ट्वीट के हवाले से आज सवाती उस पर डटे हुए हैं देखते हैं कि मजीद तशद के हवाले से भी नंगा करके तशद करना ये बाबर अवान साहब ने बयान किया और ये अगर दुरुस्त है तो ये इंतई मैं समझता हूँ काबिलत इकदाम है बाकी इस तरह उठाने से ये काम नहीं होना बल्कि लोगों को दलील के साथ कन्विंस करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर रजीम चेंज हुई है उसके अंदर इदारों का ताल्लक नहीं है बल्कि ये सारे लोग वैसे ही इनको कहीं खाब आई है और सबको इकट्ठा होने का बोला गया है किसी बुजुर्ग की तरफ से और वो इकट्ठे हो गए लेकिन जब ये तासर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है कि इनको भानमती के कुंभे को इकट्ठा किया गया है और मुल्क के अंदर जो अभी जो भी खुदा ना खास्ता जिस तरह दिवालिया पान की तरफ मुल्क बढ़ रहा है तो जब ऐसा कोई ख़तरा होगा जैसे अमेरिकन एक बड़े आम मेषदान ने कल बात की है तो ये ऐसा अगर होता है तो फिर इधारों पर भी बहुत बड़ा इल्जाम आएगा इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज